हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे, आप सब खैरियत से होंगे। हम अपनी तरफ से आपको आदाब अर्ज करते हैं, स्वागत करते हैं आपका इस वीडियो में। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, सीमान सी मैम क्या कहती है, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद, जोक्स अपार्ट। सो स्वागत है आपका इस वीडियो में दोस्तों। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, समझेंगे एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, शैक्षिक प्रशासन के बारे में। तो शैक्षिक प्रशासन से संबंधित जो भी आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, शैक्षिक प्रशासन की अर्थ, इसकी परिभाषा, इसके उद्देश्य, इसके सिद्धांत, इसके इसके संरचना स्ट्रक्चर, पोस्ट काप क्या होता है और इसकी विशेषताएं क्या, हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे शैक्षिक प्रशासन के। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्वागत है आप सभी का। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं शैक्षिक प्रशासन के बारे में। ठीक है, शैक्षिक प्रशासन से पहले एक काम कर लेते हैं ना, प्रशासन को समझ लेते हैं कि प्रशासन वास्तव में होता क्या है। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने ये सुना है कि सर्दियों में आज बच्चों की छुट्टी हो गई है, क्लास एक से लेकर आठ तक की छुट्टी हो गई। क्यों? क्योंकि प्रशासन का आदेश आया है, एडमिनिस्ट्रेशन का आदेश आया। ये कौन है प्रशासन जो हमें आदेश देते हैं कि नहीं आपकी छुट्टी हो गई है। ठीक है, अच्छा आपसे एक और चीज़ पता चलता है कि प्रशासन का काम होता है आदेश देना। बिल्कुल, आदेश दे सकता है। प्रशासन का मतलब शासन, शासन करने वाला, तो वो आदेश दे सकता है कि आप सर्दियों में यहाँ पे मत पढ़ाइए। ठीक है, अच्छा आप में से कितने लोगों ने अपने कॉलेज में या अपने विश्वविद्यालय में या किसी हॉस्पिटल में, किसी शॉपिंग मॉल में एक ब्लॉक देखा है या फिर एक भवन देखा है जिसे कहते हैं प्रशासनिक भवन या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक। वहाँ पर कौन बैठे होते हैं? तो जो भी उस विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, कॉलेज या अस्पताल या शॉपिंग मॉल्स के जिम्मेदार होते हैं, यहाँ पे जब उसके जो ऑनर हो गए हैं, उसके सेक्रेटरी हो गए, उसके मैनेजर होंगे, उसके चेयरमैन होंगे, ये सारे लोग क्या करते हैं, वहाँ पे बैठे होते हैं। अब इनका काम क्या होता है? इनका वास्तव में काम होता है कि सारी चीज़ों को सही से कंट्रोल करना, कि सारे लोग अपना काम सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, चीज़ें सही समय पर हो रही है कि नहीं हो रही है। तो यह एक संगठन के रूप में होता है जो यह तय करता है, यह देखता है, यह निर्णय लेता है, कंट्रोल करता है, योजना बनाता है कि सारी चीज़ें सही तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही है। एक और पॉइंट समझ जाइए इससे पहले कि हम शब्दों पे चले। अगर मान लीजिए किसी कॉलेज में किसी टीचर की सैलरी खत्म हो गई है, तो ये इसकी व्यवस्था किसकी है कि बजट की व्यवस्था करना किसकी है? ऑब्वियस सी बात है, प्रशासन की। अच्छा, मान लीजिए आपकी स्कॉलरशिप आने वाली है, तो आपकी स्कॉलरशिप के लिए प्रशासन की ही जिम्मेदारी है कि वो आपके बजट यानी कि स्कॉलरशिप की रकम क्या करे, स्थायी करे। तो ये सारी बात हो गई प्रशासन की। अब आइए एक शब्दों में हम समझने की कोशिश करते हैं कि प्रशासन के वास्तव में अर्थ क्या होता है और इसको, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसके कार्य क्या होते हैं, फिर उसके बाद हम चलेंगे शैक्षिक प्रशासन पे। तो पहले एक नज़र डालते हैं आपके प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन पे। तो समझते हैं प्रशासन के लिटरल मीनिंग यानी कि शाब्दिक अर्थ का, प्रशासन शब्द कैसे निकला और प्रशासन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। कई बार आपसे सवाल ये भी पूछता है कि प्रशासन शब्द की शाब्दिक अर्थ यानी कि लिटरल मीनिंग की बात करें तो प्रशासन को अंग्रेजी में, अच्छा जो हमने समझा है ना, बस उसी को शब्दों में लिख देना है। प्रशासन को हम अंग्रेजी में एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन लैटिन के दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन से शब्द हैं? एड प्लस मिनिस्ट्री। ठीक है, जिसका साधारण भाषा में मतलब होता है कि लोगों का देखभाल करना या उनकी सेवा करना। वास्तव में जो भी प्रशासनिक लोग होते हैं वो क्या करते हैं? सेवा करते हैं। उस सेवा के लिए उन्हें कुछ पैसे मिलते हैं, हालांकि सब हम चाहते हैं कि वो सेवा में शामिल हो जाएं। ठीक है, क्योंकि अच्छे खासे सम्मान, अच्छा खासा पैसा, हर एक चीज़ उसमें काफ़ी बेहतर होता है। तो उनका देखभाल करना या सेवा करना, अर्थात कार्यों का प्रबंध करना ही प्रशासन कहलाता है। हाँ भाई, प्रशासन मूल रूप से संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, और इसका मतलब होता है उत्कृष्ट तरीके से शासन करना। शासन करना लाइक किसी चीज़ को चलाना, किसी संस्था को चलाना, किसी संस्था पे शासन करना, लेकिन उत्कृष्ट तरीके से, बेस्ट तरीके से, सेवा भाव से, हर एक चीज़ का सम्मान करते हुए। ठीक है, अब आइए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा में बिल्कुल सत्य हो जाता है। प्रशासन लोग वास्तव में करते क्या हैं कि प्रशासन लोग, फिफ्नर ने कहा था कि मनुष्य तथा भौतिक संसाधनों का नियंत्रण ही प्रशासन है। ठीक है, कैसे आप कितना जैसे कंट्रोल कर पा रहे हैं जो भी आपका विद्यालय, महाविद्यालय, इंस्टीट्यूट है और जो भी वहाँ पर काम करने वाले लोग हैं, तो उनका सही तरीके से कंट्रोल करना, नियंत्रण करना ही वास्तव में क्या है? प्रशासन। फिफ्नर ने यह परिभाषा दी थी। अगर हम कुछ और परिभाषा की बात करें, प्रशासन, निग्रो ने क्या कहा था? निग्रो ने कहा था कि प्रशासन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य तथा सामग्री दोनों का संगठन है। मनुष्य तथा सामग्री दोनों का संगठन है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए, अगर हम बात प्रशासन की करें तो प्रशासन किसी एक व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, किसी एक व्यक्ति द्वारा नेतृत्व किया जाता है, लेकिन वास्तव में जो प्रशासनिक कार्य होता है एक पूरा संगठनात्मक कार्य होता है।
अगर आपके विश्वविद्यालय की बात करें तो क्या कोई एक व्यक्ति उसको रिप्रेजेंट कर सकता है, उसका अध्यक्ष या मुखिया हो सकता है। लेकिन जैसे एग्जामिनेशन का देखभाल किसी और को करना है, एडमिशंस, नियुक्ति और भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं, तो सबका अलग अलग संगठन होता है, कार्य विभाजन होता है, सब मिलके कार्य करते हैं। हाँ, हालांकि उसका कोई एक लीडर या कोई एक नेतृत्व कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, संगठनात्मक कार्य। तो यहाँ पे क्या दिया गया था, प्रशासन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य तथा सामग्री दोनों का संगठन है, कोई स्पेशल पर्टिकुलर लक्ष्य के लिए। अब आइए प्रशासन की परिभाषा देते हुए वाइट ने कहा था कि प्रशासन किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों के निर्देश, नियंत्रण तथा समन्वयकरण की कला है। बिल्कुल एक कला है, क्योंकि सबसे नहीं हो सकता ना। जैसे कि नेतृत्व करना, बोलना एक कला है, लिखना एक कला है, स्विमिंग एक कला है, ये ऐसे ही प्रशासन क्या है, एक कला है। आपको कैसे कंट्रोल करके, नियंत्रण करके, सबको प्रेम सद्भाव से अपने कार्य को करा लेना है, तो ये प्रशासन भी क्या है, एक कला है। तो व्हाइट ने कहा था प्रशासन किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों के निर्देश, नियंत्रण तथा समन्वयकरण। निर्देश यानी कि ऑर्डर कह सकते हैं आप यहाँ पे, नियंत्रण मतलब कंट्रोल, और समन्वयकरण मतलब कोऑपरेशन, ये कला है। चलिए अब आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट पे, जो हमारा था शैक्षिक प्रशासन का अर्थ। बस प्रशासन और शिक्षा के क्षेत्र में, वही प्रशासन शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासनिक कार्य, शैक्षिक प्रशासन। आइए देखते हैं शैक्षिक प्रशासन को। शैक्षिक प्रशासन एक नवीन तत्व है जिसका संबंध शिक्षा से है, ठीक है। इसका संबंध किससे, शिक्षा है। और शिक्षा में क्या, शिक्षा की योजना बनाना, कैसे आपके महाविद्यालय के विश्वविद्यालय में स्कूल्स की पढ़ाई होगी, कैसे वहाँ के क्लासेस चलेंगे, तो आपको प्लान करना है, योजना बनाना है। शिक्षा की व्यवस्था करना, पर्यवेक्षण करना, और इसका प्रमुख उद्देश्य निर्धारित करना और लक्ष्यों को प्राप्त करना, ठीक है। ये है शैक्षिक प्रशासन के कार्य। विद्यालयों में उपयोगी उपकरणों को उपलब्ध कराना और कर्मचारियों के कार्यों का विभाजन करना, ठीक है। इसका संबंध मुख्य रूप से शिक्षा से ही होता है, शैक्षिक प्रशासन का। बस प्रशासनिक कार्यों का इस्तेमाल किसमें, शिक्षा में, ओके। यह लोक प्रशासन का ही अंग है। लोक प्रशासन का मतलब, ठीक है, पुलिस प्रशासन, सैन्य प्रशासन, ये अलग प्रशासन है। लोक प्रशासन मतलब जहाँ पे लोगों के लिए प्रशासनिक कार्य किया जाता है। तो शिक्षा प्रशासन एक लोक प्रशासन का ही अंग है, लेकिन अन्य की तुलना में इस प्रशासन का क्या, अधिक दायित्व, अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ये अधिक ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये बात हो गई शैक्षिक प्रशासन की, ठीक है। देखिए मॉर्स और रॉस ने शैक्षिक प्रशासन को कैसे परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि छात्रों के विकास को अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर करना एवं अध्यापकों की सहायता से समूहों के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उन्हें साधनों की ओर प्रेरित करना ही क्या है, शैक्षिक प्रशासन। और सबसे बेस्ट जो डेफिनेशन दिया है वो विश्व ने दिया था। मैं इसीलिए कह रहा था कि शैक्षिक प्रशासन का कार्य क्या है, शैक्षिक प्रशासन की जरूरत क्या है। तो देखिए शैक्षिक प्रशासन वह प्रक्रिया है, वह एक प्रोसेस है जिसके द्वारा शिक्षा के लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, बस काम खत्म। इसीलिए हमें शैक्षिक प्रशासन की ज़रूरत है जो शिक्षा के लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त करने में सहायक हो, ठीक है। यहाँ पे दो परिभाषाएं हो गई, ये परिभाषा बेस्ट है, आप इसका नाम याद रखिए, और ये बहुत ही शिक्षा के लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त करने की प्रक्रिया शैक्षिक प्रशासन। विस और रफनर महोदय ने ये अलग परिभाषा दिया था। नेक्स्ट देखते हैं अगला। दोस्तों इस पॉइंट को समझना बहुत ही ज़रूरी होगा, आगे की पॉइंट समझें हम, इसके क्षेत्र समझें, इसके सिद्धांत समझें, उससे पहले इस पॉइंट को समझना बहुत ही ज़रूरी होगा। वो पॉइंट क्या है, POSDCORB, पोस्ट कॉर्ब। पोस्ट कॉर्ब होता क्या, कई बार आपसे ये भी सवाल पूछता है कि पोस्ट कॉर्ब होता क्या। तो देखिए लूथर गुलिच जो थे, ये इन्होंने शैक्षिक प्रशासन को एक सूत्र में प्रस्तुत कर दिया। वो सूत्र क्या है, पोस्ट कॉर्ब है। ने शैक्षिक प्रशासन का विश्लेषण व्यापक अर्थ पोस्ट कार्ब सूत्र से प्रस्तुत किया है, ठीक है। इसकी संरचना का विवेचना निम्नलिखित 7 प्रशासकीय कार्यों के रूप में हम करते हैं, यानी कि शैक्षिक प्रशासन के 7 प्रशासकीय कार्य हैं। वो कार्य कौन कौन से, पहला है पी फॉर प्लानिंग, मतलब योजना बनाना, प्लान करना किसी चीज़ों को। ओ फॉर क्या, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, संगठन करना, ठीक है। एस फॉर स्टाफिंग, स्टाफ की आपकी नियुक्ति होती है ना, तो स्टाफिंग करना, नियुक्ति करना। डी फॉर डायरेक्ट करना, निर्देशन करना कि भैया आप ऐसे करो ऐसे करो। CO को फॉर कोऑपरेशन, आर फॉर रिपोर्टिंग, रिपोर्ट तैयार करना, और बी फॉर बजटिंग, यानी कि बजट की भी व्यवस्था करना, ठीक है। ये किसका कार्य है, सचिव प्रशासन के कार्य। इसकी व्याख्या किसने करी थी, इसको सूत्र किसने दिया था, लॉथर गुलिक ने दिया था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे सवाल पूछता है। अब आप इसके आगे जो भी पढ़ेंगे ना, वो इसी केंद्र के अंतर्गत आपका क्या रहेगा, सारी चीज़ें रहेंगी। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि सचिव प्रशासन के कार्य
आप बिल्कुल इसी की सहायता से लिख सकते हैं, करेक्ट। अगर मैं आपसे कहूँ कि शैक्षिक प्रशासन की उपयोगिता यूज़ क्या है भैया, तो उसका यूज़ है ना प्लानिंग करने में, उसका यूज़ है ना ऑर्गेनाइजेशन करने में, उसका यूज़ है ना नियुक्ति करने में, ठीक है। तो अगर मैं पूछ दूँ शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र क्या होते हैं, तो इसी से संबंधित शैक्षिक प्रशासन का क्षेत्र होता है योजना बनाने में उसका कार्य क्षेत्र होता है, कि योजना उसका कार्य क्षेत्र है, ठीक है। इसी के अलावा संगठन, तो आइए अब हम चलेंगे शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में, फिर उसके बाद देखेंगे शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत, ठीक है। तो चलिए शैक्षिक प्रशासन की अगर क्षेत्र की बात करें बच्चों, यानी कि किस किस क्षेत्र में कार्य करता है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में सबसे पहला कि शिक्षण प्रक्रियाओं की योजना का निर्माण करना, ठीक है, प्लानिंग करना कि शिक्षण प्रक्रिया में किस प्रकार की योजना बनाना है, कौन कैसे पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा, कितने समय तक उनके पढ़ाने का कार्य होगा। तो जो भी शैक्षिक प्रक्रिया है उसमें योजना बनाना कि कौन कौन से उपकरण हैं, किस किस साधन से पढ़ाया जाएगा, कैसे, तो ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत, ये क्या है शैक्षिक प्रशासन का एक क्षेत्र है कि शैक्षिक प्रक्रिया का एक योजना बनाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे। तो आपने इसके क्षेत्र में पहला देखा कि शैक्षिक प्रशासन की क्या है कि शिक्षण प्रक्रिया में योजना बनाना। अगर हम इसके दूसरे क्षेत्र की बात करें तो मानवीय संबंधों की स्थापना करना। मानवीय संबंधों का मतलब कि शैक्षिक प्रशासन शिक्षण संस्थाओं में मानवीय संबंधों की स्थापना करना। अतः शैक्षिक प्रशासन को सहिष्णु प्रशासक होना चाहिए, क्योंकि शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत व्यक्तियों के मध्य प्रेम भाव बढ़ाने में प्रशासक सूझबूझ की अत्यंत सहायक होती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक शब्द लिखा है बच्चों, सहिष्णु। सहिष्णु का मतलब होता है कि थोड़ा सा टॉलरेंस, ऐसा नहीं कि छोटी सी बात पे आप गुस्सा करें, ऐसा नहीं छोटी सी बात पे आप झगड़ा करें, और ऐसा नहीं कि थोड़ा सा भी फ्लेक्सिबल ना हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, नहीं। तो आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ें बर्दाश्त करना। सहिष्णु का मतलब होता है कि थोड़ा सा वह व्यक्ति जो बर्दाश्त करता हो, किसी चीज़ों को टॉलरेट करता हो, समझता हो, थोड़ा सा धैर्य रखता हो, ठीक है। तो मानवीय संबंधों की स्थापना, शिक्षकों के बीच में एक प्रेम भाव से, प्रेम से, सहयोग से एक मानवीय संबंधों की स्थापना करना, ये क्या होगा शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत, कि आप अपनी सूझबूझ से कि कैसे पढ़ाते हैं कैसे अपने टीचर से, अपने शिक्षक से, जो भी कर्मचारी हैं, जो भी लोग हैं, उनसे कैसे आप बेहतर से बेहतर काम कर पाते हैं, तो अपनी सूझबूझ कैसे दिखाते हैं, ये एक शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगर हम क्षेत्र की बात करें शैक्षिक प्रशासन से, अध्यापकों की नियुक्ति एवं सेवा सुरक्षा, ठीक है, अध्यापकों की नियुक्ति एवं सेवा सुरक्षा की बात यहाँ पर की जाएगी। जैसा कि आपको बताया गया था कि अध्यापकों की नियुक्ति करना एवं सेवा सुरक्षा, ये किसके अंतर्गत आता है, ये भी शैक्षिक प्रशासन का एक क्षेत्र है। शैक्षिक प्रशासन का ही कार्य है कि नियुक्ति करे या फिर उनकी सेवा सुरक्षा करे, उनको बर्खास्त करने का भी कार्य शैक्षिक प्रशासन को है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, शैक्षिक प्रशासन के कार्य। विद्यालयों में विषयानुसार शिक्षकों की नियुक्ति, शिक्षकों के वेतन की व्यवस्था, उनके कल्याणार्थ आवास आदि व्यवस्था करना भी शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत ही आता है, ठीक है बच्चों। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत चौथा है शिक्षण पद्धति के संबंध में जानकारी प्रदान करना, कि कौन सी विधि से शिक्षण पढ़ाई हो रही है। अध्यापकों को अधिकतम प्रभावशाली बनाने लिए उन्हें नवीन उपयोगी विषय वस्तु के संबंध में जानकारी प्रदान करना चाहिए, नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताना, तभी तो वो और बेहतर से बेहतर पढ़ा सकते हैं। सेकेंड लास्ट है इस पॉइंट में शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में कि शैक्षिक समस्याओं का समाधान करना, किसी प्रकार की अगर समस्या आ रही है, एग्जाम्पल के तौर पर टीचर हो गए या स्टूडेंट हो गए, उनका रुचि नहीं लग रहा है, शैक्षिक प्रशासन विभिन्न समस्याओं जैसे शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य में रुचि न लेना एवं कर्मचारियों के कार्य के प्रति उदासीनता आदि का समाधान किया जाता है, किसके द्वारा, शैक्षिक प्रशासन के द्वारा, ठीक है। समझ में आ गए, बहुत अच्छा, मैं आशा करता हूँ कि चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट देखते हैं, ये लास्ट पॉइंट है शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत, भौतिक तत्वों का संगठन। भौतिक तत्व का मतलब आपकी कुछ लाइब्रेरीज की बात हो गई, किताबों की बात हो गई, ब्लैक बोर्ड की, चार्ट की, जो भी भौतिक तत्व चाहिए उसका संगठन करना, उसका इस्तेमाल करना, उसका व्यवस्था करना, ये किसके क्षेत्र के अंतर्गत आता है, शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना पड़ेगा, वो क्या है, कुछ सिद्धांत है बच्चों, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ सिद्धांत है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उसी प्रिंसिपल पे उनको कार्य करना है। वो सिद्धांत कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं उनके सिद्धांत के बारे में। तो शैक्षिक प्रशासन के आधारभूत सिद्धांत, फंडामेंटल्स ऑफ द एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, अब आइए कौन कौन से हो सकते हैं बच्चों, देखिए सबसे पहला है बच्चों व्यक्ति की महत्ता का सिद्धांत। शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत में व्यक्ति की महत्ता का, अब शैक्षिक प्रशासन का पहला बेसिक प्रिंसिपल्स ये है बच्चों कि अगर आपके कॉलेज या महाविद्यालय, आपकी यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ाई का काम हो रहा है, सीरियसली अगर पढ़ाई का काम हो रहा है, तो ऐसा ना हो कि आपकी जो शिक्षा है वो केवल फाइलों पे हो रही है, वास्तव में हकीकत में नहीं हो रही। तो इसका पहला सिद्धांत है व्यक्ति की महत्ता का सिद्धांत, का मतलब आप इम्पोर्टेंस को समझिए कि शिक्षा फाइल केंद्रित ना होकर व्यक्ति केंद्रित होनी चाहिए।
जिसके लिए आवश्यक है कि शिक्षा द्वारा व्यक्तियों के शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, आध्यात्मिक और सौंदर्यात्मक गुणों का विकास किया जाए। ठीक है, बालक की प्राकृतिक शक्तियों, क्षमताओं, योग्यताओं तथा रुचियों आदि का ज्ञान प्राप्त कर विद्यालयों के पाठ्यक्रम, समय सारणी, शिक्षण विधियाँ, शैक्षिक सामग्री, साज सज्जा, फर्नीचर आदि प्रबंध। सिंपल सी बात यह है कि आप कंट्रीब्यूट करें, आप अपने डेडिकेशन दिखाएं। वास्तव में रियल पढ़ाई होनी चाहिए आपके विद्यालय में। ऐसा ना हो कि आपके फाइलों पे तो पढ़ाई हो रही है और आपके विद्यालय में ना ठीक से फर्नीचर है, ना ब्लैक बोर्ड है, ना टीचर है, ना कुछ भी चीज़ें, और बच्चों को रुचि नहीं आ रहा, बच्चे पढ़ नहीं रहे, और उनका पढ़ भी रहे हैं तो हमेशा रटे जा रहे हैं। नहीं, आपको उनको क्या करना है बच्चों, आपको उनका सर्वांगीण विकास करना है, ऑलराउंड डेवलपमेंट करना है। इसके अतिरिक्त शैक्षिक प्रशासकों की क्षमताओं तथा रुचियों आदि का विकास करने, उनकी कार्य कुशलता का विकास होगा ताकि वो और अच्छा काम कर सके और बेहतर काम कर सके। तो पहला जो आपका सिद्धांत है शैक्षिक प्रशासन का, इनकेस अगर आप फ्यूचर में कभी भी इस पद पर अगर आते हैं, आपको ये प्रशासनिक कार्यभार संभाला जाता है, तो आप ये सुनिश्चित करें कि आप जिस भी विद्यालय, महाविद्यालय के प्रशासनिक कार्यभार देख रहे हैं कि वास्तव में वहाँ के बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, कि केवल बीएड की या फिर किसी भी कोर्स की केवल डिग्री हासिल कर रहे हैं, वास्तव में उनकी पढ़ाई हो रही या नहीं हो रही, ये आपका पहला सिद्धांत है कि आप इस बात को सुनिश्चित करें। ठीक है, चलिए दूसरा सिद्धांत देखते हैं। शिक्षा दर्शन पर आधारित हो, शिक्षा दर्शन पर, सोच पर आधारित हो, समझ पर आधारित हो। शिक्षा प्रशासन उचित शिक्षा दर्शन पर आधारित होना चाहिए। दर्शन शिक्षा प्रशासन का पथ प्रदर्शक तथा उद्देश्यों का निर्धारण करता है, जिसके आधार पर विद्यालय का मार्गदर्शन होता है, जिससे वो उचित वातावरण में उपस्थित कर अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। एक दिशा नीति, विजनरी हो शिक्षा आपका, दर्शन पर आधारित हो। ठीक है, चलिए थर्ड आपका सिद्धांत है बच्चों शैक्षिक प्रशासन का, क्षमताओं के अनुसार कार्यों का विभाजन। अगर मान लीजिए कभी आपको किसी कॉलेज का डीन बना दिया गया, ठीक है, तो आप कार्यभार को विभाजित करें, या फिर आप कभी चेयरमैन बन गए तो आप क्या करेंगे, बस किसी एक व्यक्ति को वो 5 सब्जेक्ट्स आप ही पढ़ाओ, बाकी आप कोई जान पहचान को, अरे बैठो यार क्या पढ़ा, नहीं, मतलब कार्यों का विभाजन ना आपको आवश्यकता अनुसार। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ समझ जाइए, एक बात होती है जस्टिस, मैं एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर दो लोग हैं, ठीक है, और 50 kg का वेट है, तो ये जस्टिस की बात हो गई कि चलो मैं 25 kg मैं उठाता हूँ, 25 kg आप उठा लो। ठीक है, ये जस्टिस की बात हो गई। एक और दूसरा तरीका ये है कि मैं जवान हूँ, लेट सपोज मैं जवान हूँ, मैं यंग हूँ, मैं थोड़ा सा मजबूत हूँ, तो 50 में से चलो 30 kg मैं उठा लेता हूँ, 20 kg आप उठा लो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है या फिर आप थोड़े से कमज़ोर है, तो ये उससे भी बेहतर है। तो मतलब आपको क्या करना है, क्षमताओं के अनुसार कार्य विभाजन करना है। ठीक है, कौन किस कितनी क्षमता रखता है, कैसे कार्य, तो उस हिसाब से आपको कार्य विभाजन करना है। ये क्या है, शैक्षिक प्रशासन का एक सिद्धांत है। साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि उनकी कार्य में उनकी रुचि, रुझान, योग्यता, क्षमता क्या है। ठीक है, मैथ्स के टीचर को संस्कृत दे दीजिए, संस्कृत के टीचर को आप कोई और सब्जेक्ट दे दीजिए, उर्दू दे दीजिए, तो ये नहीं, आपको सारी चीज़ें, कार्यों का विभाजन क्या करना है, बहुत सोच समझ से करना है, उनकी क्षमता के अनुसार, उनकी रुचि के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार आपको क्या करना है, कार्यों का विभाजन करना है, और ये शैक्षिक प्रशासन का एक सिद्धांत है। ठीक है, दूसरा है बालक प्रधान शैक्षिक प्रशासन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम कहते हैं बच्चों, अक्सर आपने सुना होगा चाइल्ड सेंटर। ठीक है, चाइल्ड सेंटर, बालक प्रधान, इसमें बच्चा ही बेस्ट है। ठीक है, बच्चों के अनुसार, ठीक, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार सारा शैक्षिक ढांचा बालक प्रधान होता जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, लड़का ही तो बेस्ट है, वास्तव में हम कर कह रहे हैं लड़के को पढ़ा रहे हैं, तो हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि उसकी मूल प्रवृत्तियाँ, मतलब वो कितना इंटेलिजेंट है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या है, बच्चे की क्षमता क्या है, बच्चे की रुचि क्या है, बच्चा किस बैकग्राउंड से आता है, किस क्षेत्र से आता है, बच्चा किस भाषा को समझता है। बच्चा इंग्लिश समझता नहीं और हम पूरा इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उसके अपने भाषा में और उसकी प्राइमरी लैंग्वेज से सेकेंडरी लैंग्वेज में जाके ऐसे समझाना, तो इसका शैक्षिक प्रशासन का एक सिद्धांत है कि बालक की प्रधान, बालक प्रधान शैक्षिक, या फिर चाइल्ड सेंटर कह लीजिए, बाल केंद्रित प्रशासन सिद्धांत। तो ये इसका क्या है, इसका एक सिद्धांत है। ये कई बार आपसे सवाल पूछा है और यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट होने वाली है शैक्षिक प्रशासन के, लचीलापन, स्थिरता तथा अनुकूलता का सिद्धांत के लिए स्थान होना चाहिए, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। आप इतने स्ट्रिक्ट ना हो जाए कि कोई बच्चा अगर एक दिन लेट हुआ आधे घंटे तो आपने उसको भगा दिया कि आना मत, कल आना, इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, और इतना आपको इतना लचीलापन भी नहीं होना है कि आप हमेशा वो आप बच्चा लेट ही आता है। तो आपको इस चीज़ को बैलेंस करना है। विद्यालय को ऐसा होना चाहिए कि आवश्यकताओं तथा उद्देश्यों के आधार पर प्रबंध तथा कार्यक्रम में कठोरता न हो वरन लचीलापन। अब यहाँ पे कह रहा है कि इतना ना हो कि बहुत ज़्यादा कठोरता हो और ना ही बहुत ज़्यादा लचीलापन हो,
जिसे समय के साथ परिवर्तन किया जा सके तथा ऐसा भी ना हो कि उसमें कोई स्थिरता ना हो, ठीक है, इतना भी फिक्स ना हो कि उसे उससे बदला ना जा सके और इतना भी स्थिर ना हो कि हमेशा बदलता रहे, ठीक है, इतना भी स्थिर ना हो कि जब चाहा बदल दिया, और समय की अनुकूलता के साथ साथ परिवर्तनशीलता भी चाहिए, समय की अनुकूलता होनी चाहिए, मतलब टाइम टेबल होनी चाहिए, लेकिन थोड़ी बहुत परिवर्तनशीलता होनी चाहिए जिससे स्थानीय तथा राष्ट्रहित को ध्यान में रखा जा सके, ठीक है। तो लचीलेपन का सिद्धांत ये होगा, किसी भी चीज़ के लिए लचीलेपन का सिद्धांत बहुत जरूरी है। तो प्रशासनिक सिद्धांत के अंतर्गत एक और सिद्धांत आपके आता है, वह क्या बच्चों, लचीलेपन का सिद्धांत। इसका मतलब कि आपको क्या करना है, जितनी जरूरी उतना स्ट्रिक्ट रहना है और थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी रहना है आपको, ठीक। दोस्तों हम यहाँ पे एक वीडियो को समाप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट है, आइए डिस्कस कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, कि शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य क्या हो सकते हैं। अब आपने जो कुछ समझा है उसी की सहायता से आप उद्देश्य बनाइए। तो पहला उद्देश्य हमारे सामने आता है कि शिक्षा संबंधित कार्यों का संपन्न करना तथा शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों की सहायता करना। प्रशासन का क्या कार्य होता है कि शिक्षा के सभी कार्यों को संपन्न कराना है और उनकी सहायता करना है। समाज के सभी बालकों के लिए समुचित विकास के लिए उपयुक्त पर्यावरण तैयार करना और आवश्यकता सामग्री जुटाना शैक्षिक प्रशासन के क्या है, उद्देश्य हैं, ठीक है, ओके। इसको जरा हम हटा लेते हैं, हम मुझे खुद ना, चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट है यहाँ पे कि शिक्षा संबंधित गतिविधियों तथा परियोजनाओं को बनाना, प्लानिंग करना और उनको लागू करना, यानी कि उनको क्रियान्वित करना। शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर शैक्षिक कार्यक्रमों, क्रियाकलापों तथा गतिविधियों को भलीभांति संचालन करना, शिक्षा विभाग में संबंधित कर्मचारियों की नियुक्ति, सेवाएं निर्धारण, ये सारी चीज़ें सेम चीज़ रिपीट हो रही है। इसको आप बस इससे समझ जाइए, इसी के अंतर्गत आप सारी चीज़ों को लिख सकते हैं। इसीलिए मैंने इसको शुरू में ही एक्सप्लेन कर दिया था कि वो क्या है, वो है आपका कि निर्णय लेना, ठीक है। पहला आपका क्या था कि निर्णय लेना, करेक्ट, पहला क्या था बच्चों, निर्णय लेना, ओके, निर्णय लेना। दूसरा निर्णय लेने का मतलब शिक्षा संबंधित सभी निर्णय लेना, ठीक है। अगर आप इसके कार्य की बात करें, इसकी उपयोगिता की बात करें या फिर इसके उद्देश्य की बात करें, ठीक है, तो आप इसी की सहायता से आपको लिखना है कि शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेना, उनकी योजना बनाना, कर्मचारियों की नियुक्ति करना, ठीक है, उनको बर्खास्त करना, उनको सेवाएं देना, निर्देश करना, जो भी आदेश है उसको निर्देश देना, समन्वय करना, बजट बनाना और कार्यों का विभाजन करना। अब इस शब्दों के अनुसार आपको स्वयं से लिखना है क्या, चाहे आपको शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य की बात करें, चाहे इनके कार्य की बात करें, चाहे इनकी उपयोगिता की सवाल पूछे, तो इन्हीं शब्दों के आधार पर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इसको भी याद रखिए, इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को, कि पोस्ट कार्ब क्या होता है बच्चों, पोस्ट कार्ब मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग और बजटिंग, ठीक है। चलिए अगर इतना आप याद रखते हैं तो मैं आशा करता हूँ कि बहुत अच्छा से आप ये पेपर समझ सकते हैं और ये चीज़ों को समझ सकते हैं और आप अपने एग्जाम्स में लिख सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा, ओके बच्चों। दोस्तों इस तरीके से पढ़ाना या इस तरीके से चीज़ों को डिस्कस करना, ये मेरे लिए पहली बार था कि मैं पहली बार इस तरीके से डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी अब डिपेंड करता है कि आपको कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करूँगा। मेरी ख्वाहिश है कि चलो अभी मैं डेली थोड़ा सा रेगुलर आपके कुछ ना कुछ आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक्स लेके आऊँ। तो मैं आशा करता हूँ कि मैं थोड़ा बहुत अगर सहायक हूँ आपको एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन को समझाने के बारे में, शैक्षिक प्रशासन को समझाने के बारे में, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट में आप अपनी राय जरूर दें। देखिए मैं पर्सनली, मुझे आपके कमेंट से मुझे फ़ायदा मिलता है, मुझे समझ आती है कि हाँ चलो बच्चों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब मैंने कहीं इस पूरे वीडियो में कभी नहीं कहा कि मैंने मुझे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, कुछ नहीं, वो तो आप डिपेंड करता है कि आपका अनुभव कैसा रहा मेरे साथ। तो मैं आशा करता हूँ कि अच्छा रहा होगा, वो आपकी लाइक से पता चल जाएगा, आपके कमेंट से पता चल जाएगा। अगर मुझे कुछ सुधार करना है आप कमेंट में बताइएगा, मैं डेफिनेटली उस पर काम करूँगा। सो कमेंट में अपनी राय जरूर दें, ये वीडियो कैसी लगी बताएं हमें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, नहीं जुड़े हैं चैनल से तो सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। बाकी नेक्स्ट सेकेंड यूनिट की बात करी जाएगी, जो भी इंपॉर्टेंट सवाल है उस पर डिस्कस किया जाएगा। सो हम इस वीडियो को यहीं फिलहाल ख़त्म करते हैं, आशा करते हैं आपके लिए सहायक होगा। सो जय हिंद, जय भारत साथियों, अच्छे से पढ़िए, दूसरों तक शेयर करिए, दोस्तों को जोड़िए, अपने साथ यहाँ पर जोड़िए, और नीचे डिस्क्रिप्शन में ना आपके विश्वविद्यालय के टेलीग्राम लिंक होंगे, तो आप जिस भी विश्वविद्यालय से बिलोंग करते हैं आप उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, टीम बना के एक साथ पढ़ेंगे। सो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, जय हिंद जय भारत, कमेंट में अपनी राय जरूर दें, ठीक है, बाय बाय।